नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। 2015 की भारतीय प्रशासनिक सेवा की टॉपर टीना डाबी और उनके पति आईएएस अधिकारी प्रदीप गमाटके ने शुक्रवार देर शाम को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। जैसे ही टीना डाबी के पहले बच्चे होने की खबर सोशल मीडिया पर आई, उनके चाहने वाले उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं। टीना डाबी ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तमाम ऐसी फोटोज भी शेयर की थी जिसको लेकर उनके चाहने वालों के बीच उनके पहले बच्चे को लेकर एक्साइटमेंट थी। कोई उन्हें पहले लड़की होने का आशीर्वाद दे रहा था तो वहीं कोई लड़का होने का, लेकिन आखिरकार टीना डाबी ने एक लड़के को जन्म दिया। जुलाई साल 2022 में जैसलमेर के जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभालने वाली टीना डाबी की सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ रही है। इससे पहले वो जयपुर में राजस्थान सरकार में वित्त के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी। उनके संपन्न और शानदार कार्य ने न केवल उन्हें प्रशंसा दिलाई बल्कि एक बेहतर अधिकारी के रूप में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया है। टीना डाबी ने साल 2015 में प्रतिष्ठा सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बनकर इतिहास भी अपने नाम दर्ज कर लिया। उनकी उपलब्धि ने न केवल उनकी अमध्य भावना का प्रमाण है बल्कि सिविल सेवा के इच्छुक लोगों के लिए आशा की किरण भी है। हाइशी की एक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा में टॉप किया। 22 अप्रैल को जयपुर में आयोजित एक निजी समारोह में साल 2016 के राजस्थान कैडर के अधिकारी टीना डाबी ने अपने सम्मानित साथी साल 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप गवंडे के साथ शात फेरे लिए। वो महाराष्ट्र के लातूर से आते हैं। प्रदीप ने औरंगाबाद के घाटी अस्पताल से डॉक्टर की पढ़ाई की है, यहीं से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री भी हासिल की है। टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी एक आईएएस अफसर हैं। रिया ने साल 2001 में यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया था। हालांकि रिया की शादी भी हो चुकी है, उन्होंने महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी मनीष कुमार के साथ शादी की है। टीना तब चर्चे में आ गई थी जब उन्होंने साल 2015 में यूपीएससी एग्जाम में टॉप किया था। इसके बाद टीना ने आईएएस एहतर आमिर खान से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया था। वहीं एहतर का परिवार जम्मू कश्मीर में रहता है। उन्होंने साल 2015 में यूपीएससी एग्जाम में दूसरी रैंक हासिल की थी। टीना से तलाक के बाद एहतर ने 1 अक्टूबर 2022 में डॉक्टर महरीन काजी से निकाह कर लिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।